वेलकम टू मेरी न्यूज बुलेटिन। आई एम ऋषिका सैनी। आई एम प्रशांत चौधरी। लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस फर्स्ट। 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस, नारी शक्ति मेजर थीम ऑफ द इवेंट। म्यूजिक एंड डांस क्लब ऑफ मैरी कॉलेज ऑर्गेनाइजेस रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। मैरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने यूरोपियन यूनियन की द हॉग यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस के साथ किया समझौता। संसद में पांचवी बार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए बजट से करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। World Economic Forum 2023 at Davos concludes. Admissions open at RKS School Vikaspuri. भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे अंतरराष्ट्रीय T20 में 168 रनों से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम की। Now news in detail. India displayed its military strength on the Kartavya Path as President Draupadi Murmu hoisted the national flag to mark the 74th Republic Day. Cultural diversity and Nari Shakti remained core celebrations theme. Egypt President Abdel Fattah el-Sisi remained the chief guest of this year. The Music and Dance Club of Mary College organized 74th Republic Day celebrations as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Vice President Professor Lalit Agarwal hosted the national flag. Mary Group of Institution aur European Union ki The Hague University of Applied Science ke beech hue is samjhote ka maksad व्यक्तिगत नेतृत्व और मूल सिद्धांतों पर कोलैबोरेटिव लर्निंग के साथ साथ फैकल्टी एंड स्टूडेंट एक्सचेंज और कोलैबोरेटिव करिकुलम डेवलपमेंट में सहयोग प्रदान करना है। संसद में पांचवी बार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए बजट से करदाताओं को बड़ी राहत मिली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में पांचवी बार बजट पेश किया। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने अलग अलग क्षेत्रों के लिए तमाम बड़े ऐलान किए। शिक्षा, कृषि, रेलवे, पर्यटन, नए इनकम टैक्स स्लैब, यो महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स एनुअल मीटिंग कंक्लूड ऑन फ्राइडे इन डेवोस। इकोनॉमिक क्राइसिस, रशिया यूक्रेन वॉर, क्लाइमेट चेंज रिमेन मेजर थीम्स ऑफ द इवेंट। द एडमिशंस टू रामा कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल विकासपुरी आर करंटली ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 11th स्टैंडर्ड। The school provides state-of-art teaching and learning. भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे अंतर्राष्ट्रीय T20 में 168 रनों से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम की। भारत ने अहमदाबाद में न्यूजीलैंड को 168 रनों से हराकर T20 फॉर्मेट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। मैच में सुमन गिल ने नाबाद 126 रन की पारी खेली। ये भारत के लिए इस फॉर्मेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। So that's all for this week. We will be back with more news next week. Till then, stay tuned and keep watching Mary News Bulletin.